हाय फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये। तर कसे आहात तुम्ही? आय होप सगळे ठीक आहात। इकडे सुद्धा सगळं मस्त आहे। आणि आता आपला नवीन दिवस नवीन ब्लॉग आहे, तर ब्लॉग म्हणण्यापेक्षा ॲन्युअल डे फंक्शन आहे, जे त्याचा सेकंड पार्ट मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि आज म्हणजे इथे कसं झालं, आता लहान मुलांचा जस्ट डान्स झाला, त्याचबरोबर एकदम टेंथ स्टँडर्डच्या मुलांचा डान्स सुरू झालेला। तर टेंथ स्टँडर्ड जेव्हा म्हणतो तेव्हा ते काहीतरी वेगळंच असतं ते। तर त्याच्यामुळे आता खूप असे मुलं मुली चिल्लावत होते आणि ओरडत होते, तर खरंच छान होता। तर हा डान्स कशा कोणत्या याच्यावर असेल तर तुम्ही नक्कीच सांगू शकता, मी याचं गाणं नाही टाकणार। कारण तर या मुलांनी मस्तपैकी डान्स केला, तो म्हणजे जमाल कडू या गाण्यावर त्यांचा डान्स होता। त्याच्यामुळे तो जिथला तो क्राऊड जो होता ना, तो आणखी म्हणजे खूप असा खूप मजेत आलेला होता। आणि मी बस फ्रंटवरच बसलेले होते, त्याच्यामुळे मला सगळंच तिथून असं क्लिअर टू क्लिअर दिसत होतं। पण मात्र असं म्हणजे मोबाईल तो लाईट्स एवढे असतात की असं डायरेक्ट घेता येत नाही। तर असं जेवढं घेता येईल तेवढं मी दाखवलेलं आहे। आणि याचबरोबर एक सुंदरसं नाटक तुम्हाला मी दाखवणार आहे, ते आहे रोड, म्हणजे रोडवर जे आजकाल ॲक्सिडेंट होतात आणि यूथमध्ये जास्त होतात मुलांमध्ये वगैरे, तर त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल काही नॉलेज मिळावं। आणि खरंच खूप सुंदर नाटक सादर केलेलं इथे मुलामुलींनी, तर खरंच खूप छान वाटेल तुम्हालासुद्धा। आणि काहीतरी म्हणजे तुम्हाला काहीतरी शिकता येईल की कसं तुम्हाला रोडवर सेफ्टी स्वतःची घेतली पाहिजे आणि कसं स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे आणि कसं राहायला पाहिजे आणि कसं तुम्हाला गाडी वगैरे चालवायला पाहिजे याच्याबद्दल पूर्ण अशी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे। तर तुम्ही नक्की व्हिडिओ चित्रगुप्त अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ कि आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसा बहन और अपने मनसुख लाल। यमदूत जी महाराज, जाओ इन सबको जल्दी लेकर आओ। जो आगे महाराज। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है, अगर आप मुझे भी एक वाहन दिलवा देते। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, बाद में दिला दूंगा। जाओ। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और, चलो सबके सब। देवारे देवा, ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को ले चलूं। अरे पहले उनको लाते जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, ये तो जवान हैं, देश का भविष्य हैं, इन पर कितनी जिम्मेदारियां थी। महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ आए हैं। वो कैसे? इसको देखो, ये तो सतीपुरा रोड पर वाहन ऐसे चला रहा था जैसे तेज आंधी हो। वाहन तो इसके बस में ही नहीं था, मुझे तो लग रहा था जैसे पीके टुल था। पीके टुल? अच्छा हुआ, इसे नरक में डाल दो और पिला पिला कर मारो। चले यहाँ से। महाराज, इसको देखो, ये तो टाउन जंक्शन रोड पर ऐसे कर रहा था जैसे कलाबाजियां खा रहा हो। मुझे तो लग रहा था जैसे सड़क पर सर्कस लगा रखा हो, बुलेट के पटाखे मार मार कर सुंदर कन्याओं को। कन्या? करने चले थे प्रभावित और हो गए मृत। आज अगर तुम सर्कस नहीं कर रहे होते तो ना जाने कितने को प्रभावित कर चुके होते। चल यहाँ से। महाराज, इसे देखो, ये तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से ही आ रहा था, एक कार वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया। अरे तुम लोग कब समझोगे, शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्टकट हो जाती है। पिछले 50 सालों से ट्रैफिक रूल बने हैं, पर आज भी भारत में 1,20,000 लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से ऐसे में ही मौत के मुंह में चले आते हैं। चल यहाँ से। मेरी क्या गलती है, तो मुझे क्यों उठा लाए, मैं तो वाहन नहीं चला रही थी। चुप, मेरी क्या गलती थी, इनको तो बड़ी गलती थी सड़क पार करने की, बिना देखे सुने दौड़ पड़ी सड़क पार करने, जबकि इनके लिए तो सरकार ने खास श्याम श्वेत चित्र भी बना रखे हैं। श्याम श्वेत चित्र? वो क्या होता है महाराज? जेब्रा लाइन क्रॉसिंग चित्र को जेब्रा लाइन। भगवान ने दो आंखें और सुनने के लिए नहीं दिए हैं, क्या देख के नहीं चल सकते थे?
थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? ले जाओ इनको। इतने सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, लगता है कि मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, वो लोग तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पर न जाने लोग ही क्यों समझदारी और धैर्य से काम नहीं लेते और अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमलो। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन में मरने वालों को संभाला नहीं जाता, और ऊपर से आप लोग यहाँ टपकते हो जिनकी आयु अभी बाकी होती है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मरे हो, इसीलिए हमने यमराज जान दान योजना शुरू की है। इसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। मानेगी मैंने गलती की है, बस जी पैंटी तो नहीं पहना था। मोबाइल फोन और तुम्हारी स्पीड। मैंने सिर्फ हेलमेट ही तो नहीं पहना था, इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊं वापस। नहीं 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 नहीं, गड्डी ओवरलोड थी बेटा और पड़ी है। ये देखो एक और गया बाइक चलाते चलाते। ये प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु के 70 वर्ष तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए मैं घर जाकर सबसे कहूँगी, मम्मी ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट लगाना और फोन पे बात मत करना, पापा शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना, भैया बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकल जाना बाइक चलाने, और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यम लोग जाता है। आपकी जान आपकी जान आपकी जान आपकी जान। तर अशा एक अतिशय सुंदर नाटक सादर केलेलं होतं, तर ते रोड सेफ्टीवर होतं। रोडवरून चालताना आपल्याला काय काय म्हणजे कशी कशी आपल्याला काळजी घ्यावी लागते त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती इथे देण्यात आलेली होती, आणि खूप गच्च भरून होतं तो हॉल, आणि हॉल म्हणजे लॉन हॉल नाही लॉन होता तो, आणि खूप भरगच्च आणि खूप सुंदर नाटक होतं। खरंच त्यातून काही ना काही शिकण्यासारखंच होतं, म्हणजे आजकालची मुलं ज्याप्रमाणे गाडी चालतात त्यांच्यासाठी ते बेस्ट होतं। तर असे खरंच जे नाटक आहे ते नक्कीच व्हायला पाहिजे, आणि डान्स परफॉर्मन्स तसे सुरू आहे। आणि आता मला जायचं आहे पीयूकडे, तर मी जात आहे, आणि आपला नेक्स्ट आणखी ब्लॉग येईल, तर हा आहे सेकंड पार्ट, आणखी याचा थर्ड पार्ट येईल, तिथे पीयूचा डान्स वगैरे राहील आणि त्याचबरोबर आयूचा डान्स राहील। तर अशा प्रकारे किती पार्ट होईल तर मी सांगण्या म्हणजे होईल ते मी पूर्ण टाकेल, तर तुम्ही नक्की व्हिडिओ बघा, आवडेल तर लाईक सबस्क्राईब शेअर करा बा।